अब कोई बोले हम 20 साल से गुरुजी की सेवा में हैं, पर जुबान ऐसी आग उगलती हो और चुगली निंदा करता हो तो देखने वाला क्या कहेगा। कोई फायदा नहीं गुरुओं के पास जाके रहने का, अभी भी ये हाल है इन लोगों के। और ये ध्यान रखना, जिसने भी ये साधु वेश पहन लिया है या जो भी किसी आश्रम में रहता है या जो भी किसी गुरु के पास जाता आता है, उसको उसके मित्र और परिवार और पड़ोसी सब ऐसे दूरबीन भी और खुर्दबीन माइक्रोस्कोप के साथ रोज देखते हैं कि ये बंदा क्या करता है, ये रिश्वत खाता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, गालियां बकता है, क्या करता है ये। और इससे वो नापते हैं, अच्छा तो क्या कहाँ जाता है, क्या सिखाया है इसके गुरु ने। जैसे कि चेलों के कंडक्ट का जिम्मेदार गुरु हो। अब हम सुना दिए, तुम सुन लिए, पर अगर आप उसका सही से पालन नहीं करते हैं, जीवन श्रेष्ठ नहीं करते हैं, मन सही नहीं करते हैं, वाणी सही, अभी हमने क्या गाया, कर्म वचन का मैं हूं सृष्टा। आपके कर्म कैसे हैं उसके ईश्वर आप हो, आपके मुंह से वचन कैसे निकलेंगे उसके भी ईश्वर आप हो। तो जब तुमने ये कर्म और वचन की सृष्टि बनाई तो अच्छी बुरी बनेगी, तो उसका फल अच्छा बुरा भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तो मैं सच्चिदानंद हूं इतना जानना वेदांत नहीं है। वेदांत की जो विशेषता है वो यह है कि वो एक देशी सत्य का बोध नहीं कराता है, अनंतता का बोध कराता है। इस एक अंतःकरण में जो मैं है, हम सिर्फ इसी मैं को अगर समझते हैं तो इसी को विचार चंद्रोदय में मैंने बताया, ये है त्वम पद का शोधन। मैं क्या है ये जानना आवश्यक, पर उतना जरूरी ये कि ईश्वर क्या है ये जाना जाए। इसे कहेंगे तत्पद का शोधन। तो त्वम और तत् दोनों का जब शोधन करते हैं तो इनकी एकता बने हैं। अगर दोनों का शोधन ही नहीं किया तो एकता कहां से बनेगी। ईश्वर क्या है ये समझना भी जरूरी है, मैं क्या हूं ये समझना भी जरूरी है। मैं हुआ त्वम, ईश्वर हुआ तत्, दोनों को समझना जरूरी। अब पर बात यह आती है कि जिस मन से आप समझ रहे हैं वो मन कैसा है, वो बुद्धि कैसी है, क्या वो बुद्धि स्थिर है। अब देखो, जब मैं आप लोगों के पत्र पढ़ती हूं ना तो फिर लगता है कि मैं शायद दीवारों से बोल रही हूं, और कईयों के तो चेहरे ऐसे हैं, जब चेहरे देखती हूं तो लगता है कि इसे शायद किसी साइकेट्रिस्ट या किसी दवाई की जरूरत है, इसे हमारी नहीं जरूरत, मनोरोगी। मैंने जरा सी बात पे दुखी हो गए, जरा सी। देखो क्या मेरी दृष्टि में जो आता है तो मैं उसका उदाहरण देती हूँ। एक जगह में सब थे, वो दूध सबको दिया गया, दूध कम पड़ गया, एक को नहीं मिला, जिसको नहीं मिला वो मुंह बना के बैठ गया। ये कैसे लोग हैं। अरे तब कहां गया, इच्छा रहित होना था। ये कहां से बात आई, ये खाने की चीज नहीं मिली, इतने में गुस्सा हो गए। कितनी छोटी बात, कहां वेदांत और कहां ये, मेरी बेइज्जती हो गई। क्यों, गुरुजी बैठे थे, सबको बुलाया गया, हमें बुलाया नहीं गया, कहां फंसा हुआ है, कहां मान अपमान में, आगे पीछे बैठने में, कहां फंसा हुआ। तो थोड़ा मन के ऊपर दृष्टि आनी चाहिए, ये मुझे बार बार कहना पड़ता है। या तो योग के द्वारा समाधि की अनुभूति पहले किए हुए हो, जैसा मैंने कल कहा। अभी एक पत्र है, पूछते हैं कि आपने ऋषिकेश शिविर में कहा कि निरंतर 8 घंटे का साधना करे तो उसे 6 महीने में उपलब्धि हो, और रोज के 4 घंटे का अभ्यास तो पिछले 1 साल से मैं कर रही हूँ।
लेकिन आप जिस उपलब्धि की बात करते हैं ऐसा तो हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा। हाँ, पहले से मन ज्यादा शांत है, तो हमें इस साधना में क्या गलती कर रहे हैं उसके विषय में कहिए, या क्या हमारे मन पर इतनी मैल पड़ी है कि इतना भी काफी नहीं हो रहा। बात तो सच ही है ना। ऐसे उन्होंने एक अपना अनुभव भी लिखा कि इस बार अमेरिका से जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में एरोप्लेन में कुछ खराबी हो गई और जहाज जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और सारे पैसेंजर चीखे मार रहे थे। मैंने ऐसा लगा कि जैसे तो जब मौसम खराब हो जाए ना तो एयर पॉकेट्स हो जाती हैं और बहुत झटके लगते हैं और इतनी जोर से लगते हैं कि इसलिए वो बेल्ट बनवा देते हैं कि कुछ एक केसेस हुए बेल्ट नहीं बांधी थी तो उछले सीट से और उनका जो छत में सिर लगा एंड दे बर्स्टेड अ नर्व इन द ब्रेन। इतनी जोर से उनके उस आदमी की मौत हो गई थी। तो बोले जब जहाज में सब चीख रहे थे कि अब मरने वाले हैं, बोले उस समय मेरा मन बिल्कुल शांत था। लिखते हैं कि ऐसा लगा कि बस एक ही बात मन में आई कि मेरी अभी साधना तो पूरी हुई नहीं है और अगर अभी शरीर छूट गया तो फिर क्या। फिर लगा अच्छा जो ईश्वर की मर्जी, फिर जो ईश्वर की मर्जी। बोले सब और चीखे थी लेकिन मन भीतर इतना ठहर गया और यही स्थिति 20-30 मिनट बनी रही। मौत का डर जरा भी न लगा। तो तुम फिर इसके बाद भी लिखती हो कि प्राप्ति क्या हुई, कौन सी प्राप्ति होगी, कौन सी उपलब्धि होगी। मौत सामने हो और डर न लगे, क्या यह प्राप्ति नहीं है? और सब चीख रहे हो और आप शांत हो, क्या यह प्राप्ति नहीं है? निश्चित ये प्राप्ति है। निश्चित ये प्राप्ति है। मैंने ये देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसी कोई कठिन स्थिति ना शरीर की सामने बननी चाहिए, जब बने तो पता चले हम कहाँ खड़े हैं। जैसे किसी बहुत नजदीकी की मृत्यु हो जाए, जिससे आपका बचपन से जब से ये शरीर पैदा हुआ तब से आपका लेन देन हो और सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत हो, इतना नजदीकी कोई हो और उसका शरीर जाए, ये कठिन परिस्थिति होगी। ऐसे में आपके मन में क्या होता है? रोते हो, पिटते हो, घबराते हो, डरते हो, क्या करता है मन तुम्हारा? मन क्या रंग दिखाएगा उस समय पर? You study all years, but then finally in the last, the final exam, you have to attempt, and then that tells us, tells the teacher and you also, how well you had studied. So you learn these theories from me in the satsang, but the practical is going to happen in your life, the situation might arise, then how will you respond? You crumble, you break, or you remain stoic like a mountain? आप कैसे रहते हैं उस स्थिति में? आपकी मर्जी की चीजें ना हो रही हो और आपके अपने धोखे दे रहे हो, उस समय पर बैठ के रोते हैं कि उस समय पर बैठ करके आप शांत रहते हैं? क्या करते हैं उस समय? मतलब हाइपोथेटिकली इफ यू कैन सी दैट इफ योर हाउस एंड योर मनी इज ऑल गॉन, hypothetically I'm saying that now when you go back from ashram and you are told your house somebody has sold and taken away the money and you don't know and somebody else is living and they say how can you trespass, this is my house, and calls the police to kick you out from your own house, what will you do? Kya karenge us samay par? मन कैसा बिहेव करेगा उस समय पर? क्योंकि आप मन से जी रहे हैं और मन में जी रहे हैं,
मैं आत्मा हूं, ये तो एक डायलॉग लगता है जो गुरुजी लोग बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, जो अमृत बिंदु उपनिषद में, मन के तल पर क्या है फीलिंग, क्या है एहसास। अच्छा, सब सुख रहे और पार्टी हो रही है और डांस हो रहा है और दोस्त हैं और खाना पीना हो रहा है, और तो तुम उसमें मस्त होके खो जाते हो या उसको भी एक तमाशे की तरह देखते हो। देखिए, ज्ञान दृष्टि ये नहीं कहती कि दुख की बात हो तो भाग जाओ और सुख की बात हो तो उसमें खो जाओ। एक हमारे साधक ने पहले मन बनाया कि वो यहीं रहेंगे, फिर मन है आ गया किसी पर, फिर उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, मैं हाँ जाओ शादी करो, शादी कर ली। 5-6 साल बाद अब वो रो रहे हैं, नहीं हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता, हमने यहीं आना चाहते। मैं कहा अब हम नहीं आने देते, तुमने चुना कुछ, तुमने चुना है कुछ, तुमने बच्चे पैदा किए हैं, अब उन बच्चों का क्या दोष है। मैं ये बिल्कुल परमिट नहीं करने वाली हूं। तुम्हें अब वैराग्य हो रहा है, तब क्या था, ऐसा ही वैराग्य कभी हुआ था, ऐसा ही सो कॉल्ड वैराग्य से तुम यहां आ गए थे। अच्छा, फिर चले गए थे, अब आपको फिर वैराग्य हो रहा है। वैराग्य नहीं हो रहा, असल में पति कमा नहीं पा रहा है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, ऐसा याशी कहां से करें, खर्चे करने मुश्किल, खाने को नहीं है, अब आश्रम दिख रहा, मैं माफ करिए, यहां हम नहीं रखते। मैं हारे हुओं को नहीं रखती, जो जीते हैं ना अपने अपने क्षेत्र में, मैं उनका स्वागत करती हूं। जो मेहनत करके अपने लिए रोटी नहीं कमा सका, वो क्या करेगा जिंदगी में। ये बैठा है स्वामी सत्यानंद, ये एमटेक कर रहा था, इसकी चिट्ठी आई, मुझे आना है। मैंने पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर कहा मेरी हो गई पढ़ाई पूरी, मैंने नौकरी करो, फिर इन्हें नौकरी करी, फिर इसने कहा मैंने आपकी ये भी शर्त पूरी कर दी, क्या आ सकता हूं। हाँ आ जाओ, कि 3 साल ऑलमोस्ट लगे हैं इसको, 3 साल से ये चल रहा था। माने वैराग्य किसको, वैराग्य इसको नहीं कहते छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिया, कहते मैंने लाल किला छोड़ दिया, तेरे बाप का था, मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, बोले नरीमन पॉइंट का बंगला छोड़ दिया। कौन सा, वो जिस पे सेंट गेंदामल लिखा हुआ है, तेरा है नहीं, तो फिर तूने क्या छोड़ा। त्याग उसको तो नहीं कहते ना जो तुम्हारे पास है नहीं वस्तुएं, उनको को हमने त्याग कर दिया। त्याग किसको कहते हैं, जो तुम्हारी थी वो वस्तु तुमने छोड़ दी कि नहीं नहीं रखनी। इसलिए नहीं कि वस्तु बुरी है, इसलिए कि तुमको लगा कि इतनी आवश्यकता नहीं है मेरी। सुबह अभी ऋषिकेश में एक स्वामी जी से मुलाकात हुई, वो आईएएस ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड जॉब, डिसेंट जॉब, नाइस फैमिली। जिस दिन उनके बड़े बेटे की शादी हुई उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, 3 मंथ नोटिस दे दिया उन्होंने सरकार को, मैं नहीं नौकरी करूंगा। पत्नी उनकी बड़ी समझदार थी, पत्नी से उन्होंने पहले से चर्चा करके रखी थी, पत्नी ने कहा ठीक है आप जाओ। साधना दोनों ही करते थे, बोले नहीं मुझे अकेले रहना और मुझे सन्यासी होना है। पत्नी ने कहा ठीक है जाइए। हिंदू शास्त्र के नियम के अनुसार अगर विवाहित है तो पति या पत्नी को एक दूसरे से आज्ञा लेनी पड़ती है, बिना आज्ञा के वो जा नहीं सकता, रूल है। संत ज्ञानेश्वर के पिताजी बिना आज्ञा लिए सन्यास लिए थे बनारस में, जब गुरु को मालूम हुआ तो उन्होंने वापस भेज दिया, तो बोले उतार सन्यासी कपड़े चल जा वापस, फिर वो वापस गए और उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए थे, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ता, निवृत्ति, सोपान, ये 4 बच्चे बाद में हुए उनके। बोले नहीं ऐसे नहीं होता,
महात्मा कभी भगोड़ापन नहीं सिखाते। इसलिए पुरानी परंपरा यह होती थी कि या तो जब गुरुकुल में पढ़ रहा है, मैंने पुराने हमारे जो गुरुकुल वो काइंड ऑफ समझ लो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो होते थे, तो वहां पढ़ते पढ़ते या तो कोई चला जाए संन्यास को और सब योग वेदांत ये वो सब वो पढ़ चुका है, गणित और इतिहास और खगोल और ये सब पढ़ चुका है, और उसके बाद वो सोच समझ के निर्णय लेता। नहीं तो 100 में लगभग लगभग 90 वो होते थे जो जाके शादी करते थे, फिर वो 50 साल तक शादी जिंदगी जीते, फिर उसके बाद कहते वानप्रस्थी करो माने घर में ही साधु की तरह रहो, और फिर उसके बाद किसी का मन हुए तो फिर वो बिल्कुल जंगल में चले जाते। ये संन्यास जैसी जो इंस्टीट्यूशन है ये तो मैंने कहा ना आदि शंकराचार्य जी ने बनाई, पहले एज ए रूल सब फॉलो करते थे। जिसकी इच्छाओं की लिस्ट सारी खत्म हो गई है वही साधक इस ज्ञान के इस वेदांत को अच्छी तरह से अपने भीतर भर सकता है, डाल सकता है, इसको पी सकता है, इसको जी सकता है। और जिसके अंदर अभी ये बात पूरी नहीं आई है उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है।